जोकर को क्रिएट करने का रियल लाइफ इंस्पिरेशन कौन था? जोकर के ओरिजिनल साइड किक का नाम क्या था? क्या जोकर कॉमिक बुक के अंदर पागल है? और वो कब कब कॉमिक बुक के अंदर ठीक हो जाता है? कौन कौन से एक्टर्स थे जो जोकर का रोल नहीं प्ले कर पाए? और कॉमिक बुक के अंदर जोकर के कितने बच्चे हैं? टॉड फिलिप्स की डायरेक्टेड और वॉकिंग फीनिक्स स्टारिंग जोकर 2 के पहले ट्रेलर के रिलीज होने के मौके पर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस कैरेक्टर के बारे में और थोड़ा जाना जाए और इसके कई सारे बिहाइंड द सीन फैक्ट्स के बारे में बात किया जाए जो आपको रेयरली कहीं जानने को मिलता होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया के सबसे महान कॉमिक बुक सुपर हीरो विलन जोकर का कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया था और इसे क्रिएट किसने किया था? वेल, इसके पीछे की क्रिएशन की क्रेडिट को 3 लोगों को दिया जाता है, बिल फिंगर, बॉब केन और जेरी रोसेनबर्ग, जहां पर इन तीनों को जोकर के अलग अलग फॉर्म्स और कॉन्सेप्ट का आइडिया आया था। लेकिन यहां पर एक्चुअली बिल फिंगर ने ही जोकर के कैरेक्टर के लिए कॉनार्ड वेड नाम की ग्वेन प्लेन नाम के कैरेक्टर को जोकर के लिए मॉडल किया था, जो हमें 1928 के द मैन्स हू लाफ में देखने को मिला था। और इसी के इंस्पिरेशन से उन्होंने जोकर का एक प्लेइंग कार्ड भी क्रिएट किया जो अल्टीमेटली डीसी कॉमिक्स के अंदर जोकर का कॉन्सेप्ट बना। जोकर की बिहाइंड द सीन शुरुआत तो ऐसे हुई थी, लेकिन डीसी कॉमिक्स के अंदर उसकी शुरुआत कैसे हुई थी या दूसरे शब्दों में कहूँ कि उसकी ओरिजिन क्या है। अब वैसे तो कॉमिक बुक और मूवीज के अंदर बहुत बार जोकर की ओरिजिन को अलग अलग प्रकार से दिखाया गया था, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि डीसी कॉमिक्स के अंदर उसकी असल ओरिजिन क्या है। जहाँ पर इस कैरेक्टर के वन ऑफ द क्रिएटर्स जेरी रॉबिन्सन ये बात मानते हैं कि जोकर की ट्रू ओरिजिन ना होना एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि यही एक चीज है जो जोकर को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। और जेरी रॉबिन्सन के हिसाब से जोकर की अगर कोई ट्रू ओरिजिन होती तो वो उसके एसेंशियल मिस्ट्री को हमेशा के लिए हटा देती। और जो भी आपको आज तक ओरिजिन्स कॉमिक बुक मूवी या टीवी शो में देखने को मिली है वो बेसिकली क्रिएटर्स की अपनी खुद की चॉइस और क्रिएशन है। ऑफ कोर्स जोकर को भले ही बैटमैन के विलन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट आज उसका रेपुटेशन बैटमैन तक को मैच कर लेता है। और जोकर जैसी मूवी की सक्सेस ये बात साबित करती है कि जोकर अपने आप में एक आईपी बन चुका है। बट शुरुआत में ऐसा नहीं होने वाला था और वो बेसिकली एक वन ऑफ कैरेक्टर होने वाला था, जिसे वैसे तो डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू नंबर 27 में 1939 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो इसी कॉमिक के बाद कभी और हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर दिखने को नहीं मिलने वाला था। बट एन वक्त पे बिल फिंगर ने इस बात को डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर काफी वेल डेवलप्ड कैरेक्टर है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर इस कैरेक्टर को बार बार बैटमैन के सामने लाया जाए। लेकिन जैसा कि हर एक सुपर हीरो का अपना साइड किक रह चुका है, क्या आपको मालूम है कि जोकर के पास भी एक वक्त पर अपना खुद का साइड किक था? ऑफ कोर्स जोकर अपने आप में कंप्लीट है, पर कभी कभार उसका साथ निभाने के लिए हमें उसके साथ गैगी द क्लाउन भी देखने को मिलता था, जो पहली बार हमें 1966 के बैटमैन के इश्यू नंबर 186 में देखने को मिला था। गैगी हेली सर्कस का एक सुपरस्टार था जो अपनी कॉमेडिक एक्ट्स और अपनी आवाज से ग्लास को तोड़ने के लिए जाना जाता था, लेकिन जब डिक ग्रेसन का परिवार फ्लाइंग ग्रेसन्स ने उसकी जगह ले ली तब उसने जोकर को ज्वाइन कर लिया। कॉमिक बुक के अंदर आगे जाकर गैगी द क्लाउन की कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है, जहां पर गैगी को उसके एक्शंस के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है और जोकर बेसिकली हार्ली क्विन से उसे रिप्लेस कर देता है। खैर, ये चीज बहुत ही औसम होगा अगर ये कैरेक्टर हमें जोकर के पार्ट 2 मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। खैर, अगर ऑन स्क्रीन इस कैरेक्टर को दुनिया में सबसे पहली बार किसी ने पॉपुलर किया था तो वो थे सीजर रोमेरो, जिन्होंने 1966 के बैटमैन टीवी शो के अंदर जोकर का रोल प्ले किया था। लेकिन इस कैरेक्टर के साथ उनकी एक बहुत बड़ी शर्त थी जो अल्टीमेटली इस कैरेक्टर का एक आइकॉनिक लुक बनी, और वो थी उनकी मूछे जो वो इस कैरेक्टर के लिए मुंडवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बेसिकली अपने मुस्टैच को काफी लकी मानते थे और वो मानते थे कि हॉलीवुड में उनका करियर इसी मुस्टैच की वजह से है। बट इस कैरेक्टर का मेकअप इतना शानदार किया गया था कि मुस्टैच एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनी। विलन के रूप में आप जोकर से हर एक उम्मीद लगा सकते हैं, बट क्या आप उसे एक नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक के रूप में देख सकते हैं? टर्न्स आउट जोकर कितना भी कमी ना क्यों ना हो, वो अपने देश को लेकर हमेशा वफादार रहता है, जहां पर इस चीज का सबूत हमें देखने को मिला 1997 के क्रॉसओवर कॉमिक बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका के अंदर, जहां पर जब जोकर को पता चलता है कि रेड स्कल एक्चुअली एक नाजी है, तब वो कहता है कि वो एक क्रिमिनल ल्यूनेटिक हो सकता है, बट वो एक अमेरिकन क्रिमिनल ल्यूनेटिक है और वो नाजी से नफरत करता है, जो कि सडिस्टिक विलन के लिए एक काफी ज्यादा शॉकिंग बात है।
बट क्या कॉमिक बुक के अंदर जोकर सचमुच पागल है? वेल, इस बात का जवाब हमें ग्रैंट मॉरिसन की आर्कम असाइलम अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ नाम की कॉमिक बुक में दिया गया था, जहां पर इस बात को समझाया गया था कि जोकर एक्चुअली मेंटली अनस्टेबल नहीं है, बल्कि वो ठीक इसका ऑपोजिट है और उसकी साइकोपैथी एक नेक्स्ट लेवल पर है, जिसके कारण वो हमेशा हाइपर अवेयर होता है। यही रीजन है कि जोकर पे किसी भी प्रकार के ड्रग्स और स्केयरक्रो के फियर टॉक्सिन्स का असर नहीं होता। साथ ही साथ रेड स्कल से क्रॉसओवर के दौरान रेड स्कल की डस्ट ऑफ डेथ भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन तब क्या होगा जब जोकर एक आम इंसान की तरह सोचने लगे? वेल, कॉमिक बुक के मल्टीवर्स के अंदर ऐसा कई बार हो चुका है, जहां पर आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जोकर का पागलपन या यूं कहा जाए हाइपर अवेयरनेस बैटमैन से ही जुड़ी हुई है। और जब भी डीसी कॉमिक्स के अंदर बैटमैन की या तो डेथ हो जाती है या वो एब्सेंट होता है, तो जोकर का लाइफ का सेंस ऑफ पर्पस ही खत्म हो जाता है और वो या तो खुद को सरेंडर कर देता है या वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। जहां पर हमें इसका एक बहुत ही सटीक एग्जांपल किल द बैटमैन नाम के एक कॉमिक बुक के अंदर देखने को मिला था, जहां पर इस बात को रिवील किया जाता है कि जोकर किसी तरह से बैटमैन को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। और कहानी बेसिकली ब्रूस वेन के ट्रू आइडेंटिटी से शुरू होती है, जहां पर गॉथम शहर के अंदर उसके फ्यूनरल को रखा जाता है और फाइनली जोकर क्राइम की दुनिया को छोड़कर गॉथम डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर एक मामूली सी जॉब करना शुरू कर देता है। अब हमने तो बहुत सारे जोकर्स को आज तक देखा है, बट इनमें से वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी हीथ लेजर के जोकर को ही माना जाता है, जहां पर उनके ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इस कैरेक्टर को लेकर डेडिकेशन की वजह से ही उनका जोकर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जोकर में से एक है। बट सच तो ये है कि जब क्रिस्टोफर नोलन इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत बैटमैन बिगेंस से कर रहे थे, तब हीथ लेजर खुद भी बैटमैन के रोल के लिए ही ऑडिशन दे रहे थे, जहां पर वो तो उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, बट क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें आगे किसी रोल के लिए अपने दिमाग में रख लिया था और वो रोल था जोकर का, जिसे सिर्फ और सिर्फ हीथ लेजर के रूप में ही क्रिस्टोफर नोलन ने इनविजन किया था। हीथ लेजर ने इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से डिजाइन किया था और इसके पीछे उन्होंने अपनी मेथड एक्टिंग में पूरी जान लगा दी और उनके पोर्ट्रेयल और कई सारे इम्प्रोवाइजेशन की वजह से ये कैरेक्टर अमर हो गया। खैर, हीथ लेजर तो आइकॉनिक थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कई ऐसे भी एक्टर रह चुके हैं जो एक्चुअली जोकर को प्ले करना चाहते थे, बट वो कभी उसे प्ले ही नहीं कर पाए। और इस लिस्ट में काफी भारी भरकम और बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि एक्टर रॉबिन विलियम्स, जो कि 1985 के द बैटमैन मूवी के अंदर एज जोकर प्ले करने के लिए स्लेटेड थे, जहां पर बिल मरी को एक्चुअली बैटमैन बनाया जा रहा था, बट ये मूवी नहीं बनी और हमें माइकल कीटन की मूवी देखने को मिली। इसके अलावा द डार्क नाइट के अंदर एड्रियन ब्रोडी भी जोकर को प्ले करने के लिए कंसीडर किए जा रहे थे। इसके अलावा वॉइस एक्टिंग में जोकर की ऑफिशियल आवाज मार्क हैमिल से पहले एक्चुअली इस कैरेक्टर को टिम करी अपनी आवाज देने वाले थे, लेकिन उनके ब्रोंकाइटिस के चलते उनकी आवाज खराब हो गई और वो इस रोल को प्ले नहीं कर पाए। इसके अलावा रॉबिन विलियम्स को 1989 की बैटमैन मूवी के अंदर एस जोकर कंसीडर किया जा रहा था, साथ ही साथ पॉल बैटनी को भी द डार्क नाइट मूवी के अंदर एस जोकर के लिए कंसीडर किया जा रहा था। और फाइनली रायन गॉसलिंग को 2016 की डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर एस जोकर के लिए कंसीडर किया जा रहा था, बट ये रोल जेरेड लेटो ने प्ले किया। खैर, इन सब में एक एक्टर ऐसे भी हैं जो जोकर को प्ले करके भी नहीं प्ले कर पाए, और वो हैं गॉथम सीरीज के अंदर जेरेमाया के रोल में दिखने वाले कैमरन मोनगन, जहां पर इस सीरीज को कुछ ज्यादा ही स्केल डाउन करके दिखाया गया था और बेसिकली इस सीरीज के अंदर जोकर के नाम तक को लेने से मना किया गया था, जिसके कारण जोकर के ग्रीन बालों को भी इस सीरीज के अंदर यूज नहीं किया गया और कैमरन मोनगन को हर जगह उसे जेरेमाया या जरूम ही बुलाया गया। उसका रीजन ये है कि फिल्म मेकर्स के हिसाब से इस सीरीज के यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली जोकर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जरूम जोकर नहीं है और उसे कभी इस सीरीज के अंदर ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया। लेकिन क्या कभी कॉमिक बुक के अंदर जोकर का परिवार बढ़ा था और क्या जोकर के बच्चे भी हैं? वेल, एक्चुअली डीसी के मल्टीवर्स की माने तो जोकर की एक्चुअली दो बेटियां हैं, जहां पर इनजस्टिस यूनिवर्स के अंदर जोकर के मरने के बाद हार्ली क्विन एक्चुअली ब्लैक कैनरी को समझाती है कि उसकी और जोकर की एक बायोलॉजिकल बेटी भी थी, जिसे उसने अपनी बहन के साथ पलने बढ़ने के लिए छोड़ दिया था। वहीं पर डुएला डेंट नाम की भी एक कैरेक्टर है जो एक्चुअली जोकर को अपना पिता मानती है।
इसके अलावा क्या जोकर पूरी रियलिटी को अफेक्ट कर सकता है? वेल, एक वक्त था जब जोकर के पास ये ताकत थी, जहाँ पर सुपरमैन की वन ऑफ द विलन्स मिस्टर मिक्सिप्लिट के साथ जोकर ट्रिक करता है और उससे यूनिवर्स अल्टरिंग पावर्स ले लेता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने ही ढंग से करता है। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले वो खुद को इमॉर्टल करता है और बैटमैन को टॉर्मेंट करने के लिए एक प्रीपिचुअल स्टेट में छोड़ देता है। एंड ऑफ कोर्स उससे निपटने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी जस्टिस लीग को आना पड़ता है। बट सोच के देखिए, ये पावर्स उसके पास शुरू से होती तो वो क्या करता। बात करें अगर जोकर के दुनिया पर कल्चरल इम्पैक्ट की, तो अगर बैटमैन के 12 इश्यूज में से 9 इश्यूज में अगर जोकर हमें नहीं देखने को मिलता, तो उसका इतना बड़ा फैंडम हमें कभी देखने को नहीं मिलता, जहां पर इसे 2006 में विजर्ड मैगजीन में इसे 100 ग्रेटेस्ट विलन्स ऑफ ऑल टाइम में जगह दी थी। वहीं पर 2008 में इसी मैगजीन ने इसे 200 ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से एक बनाया, जहां पर इस कैरेक्टर को 5वां स्थान मिला था। साथ ही साथ एम्पायर मैगजीन ने इसे 50 ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से एक बनाया। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, जहां पर इसे एक एज लॉर्ड, प्रोवोकेटिव और ट्रिगर करने वाला कैरेक्टर कंसीडर किया गया। बट ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर हमेशा ही लोगों का फेवरेट बना रहा। वेल, वीडियो की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि जोकर की आइडेंटिटी डीसी कॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और अननोन है, लेकिन जब इस बात का पता बैटमैन ने लगाने की कोशिश की, तो उसे एक बहुत ही चौंका देने वाले सच का सामना करना पड़ा। जहां पर जब बैटमैन ने इस चेयर का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि यहां पर एक्चुअली जोकर के 3 अलग अलग वर्जन है। डार्क साइड वॉर में इस बात के पता लगने के बाद इस कहानी को आगे बढ़ाया गया बैटमैन 3 जोकर्स के अंदर, और यहाँ पर जोकर के 3 अलग अलग पर्सनैलिटी द क्रिमिनल, द क्लाउन और द कॉमेडियन को फॉलो किया गया। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको जोकर के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप हमारी ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।